हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड की जमीन अब बेशकीमती पत्थर भी उगल रही है। यहाँ से निकलने वाले पत्थरों की दक्षिण भारत में भारी डिमांड है। सागर जिला मुख्यालय से 77 किलोमीटर दूरी पर स्थित ईश्वरपुर गांव में मिट्टी से बेशकीमती पत्थर निकल रहे हैं। एक पत्थर 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक में बिक रहा है। खास बात यह है कि गाँव भर के लोगों को इसका पता है, वह साल भर से इस बेशकीमती पत्थरों को बेच रहे हैं। जबलपुर इंदौर से व्यापारी इन्हें खरीदने आ रहे हैं, जबकि प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। राजधानी में नव निर्मित डॉक्टर कैलाशनाथ कड्जू शासकीय सिविल हॉस्पिटल में फीवर क्लिनिक पर श्रेय लेने की राजनीति गर्मा गई है। भोपाल के दो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और उमाशंकर गुप्ता आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों के बीच अस्पताल प्रशासन पिस रहा है। 200 बिस्तर के कज्जू अस्पताल में सुविधाओं को शुरू करने को लेकर श्रेय लेने की होड़ तेज हो गई है। शनिवार से अस्पताल में फीवर क्लिनिक शुरू हो रहा है। इसे लेकर एक दिन पहले शुक्रवार को भाजपा नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का फीवर क्लिनिक के उद्घाटन करने को लेकर सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ। इस पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई है। लंबे समय तक कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के बाद इंदौर के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। 16 महीने के कोविड काल में पहली बार इंदौर अब जीरो केस की ओर बढ़ रहा है। पूरे कोरोना काल में 24 घंटे में पहली बार सिर्फ एक नया मरीज मिला है। यह भी तब है जब 8,923 लोगों के सैंपल की टेस्टिंग की गई है, यानी पॉजिटिव रेट 0.01% के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं रिकवरी रेट 99% से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 19 और 22 जुलाई को 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगेंगी। इसके लिए सरकार ने जिलों को वैक्सीन का आवंटन कर दिया है। शनिवार को जिलों में वैक्सीन के बचे स्टॉक से वैक्सीनेशन होगा। भोपाल में 17 सेंटर पर कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगेगा। वही भोपाल के एम्स और गुंगा में कोविशील्ड का दूसरा डोज लगेगा। राज्य सरकार ने सभी जिलों को 19 और 22 जुलाई को वैक्सीन का अभियान चलाने को कहा है। इसके तहत 19 जुलाई को 4 लाख और 22 जुलाई को 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएससी द्वितीय वर्ष और एमएससी सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं 18 और 19 जुलाई गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर में जमा होंगी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने निर्धारित समय अवधि के बाद अतिरिक्त अवसर नहीं रहेगा। परीक्षा व्यवस्था संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर संदीप सबलोक ने बताया कि बीएससी द्वितीय वर्ष व एमएससी सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न पत्र महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जा सके हैं, जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए विश्वविद्यालय ने 18 और 19 जुलाई की अवधि निर्धारित की है। इसके बाद परीक्षार्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तीसरी लहर की आशंका के बीच इंदौर ने इससे निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने सभी अस्पतालों को बेड क्षमता के आधार पर आईसीयू, बच्चों के लिए आईसीयू, गर्भवती महिलाओं के लिए बेड और ऑक्सीजन बेड के लिए 10,024 बेड तैयार करने को कहा है। कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 110 निजी अस्पताल और 16 सरकारी अस्पतालों में इन बेड को 31 जुलाई कलेक्टर ने सभी अस्पतालों से कहा है कि वह अपने बेड की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को आवेदन कर दे। स्टाफ को 7 दिन की ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। 1 जून में अनलॉक के बाद इंदौर से प्रमुख रूट पर अब 25 ट्रेनें चलने लगी हैं। अगले 4 दिनों में इंदौर वेरावल इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू हो जाएगा। गुजरात रूट पर भी ट्रेनों की सीधी कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। रेलवे पीआरओ जितेंद्र जयंत के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान इंदौर से 10 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अनलॉक के बाद 15 नई ट्रेनों का फिर से शुरू होने की बात कही गई है। इंदौर वेरावल 20 जुलाई, इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस 21 जुलाई से शुरू होंगी। ग्वालियर में एक युवक को पुरानी बुलेट ऑनलाइन ऐप के जरिए बेचना जरा महंगा पड़ गया। एक ठग ने खरीदार बनकर बुलेट खरीदने की में रुचि दिखाई। बुलेट की कीमत 55,000 रुपए तय की गई। खरीदार ने एडवांस भुगतान के लिए एक लिंक भेजी। लिंक को ओपन करते ही युवक के मोबाइल अपने आप ऑपरेट होने लगा। इसके बाद युवक के खाते से 30,000 रुपए ठग लिए गए। घटना कुछ दिन पहले शहर के दीनदयाल नगर की है। एक पर पीड़ित युवक बदनामी के डर से 2 दिन पहले ही साइबर ऑफिस पहुंचा। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 17 व 18 जुलाई को 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा 17 जुलाई को सुबह 11:30 बजे निवास पर पहुंचकर आमजन से भेंट करेंगे। दोपहर 12 बजे माँ पीताम्बरा माई और शनिदेव जी का दर्शन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे कुशवाहा समाज के लोगों से मिलेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा दोपहर 3:30 बजे हनुमान टीला मंदिर पर आयोजित रामकथा में सम्मिलित होंगे। रात 8 बजे घोटेश्वर मंदिर बड़ोनी में व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री 18 जुलाई को सुबह 9 बजे व्यापारी प्रतिनिधि मंडल में नगर विकास और सड़कों पर चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे गायत्री मैरिज गार्डन में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा दोपहर 3:30 बजे शुभारंभ मैरिज गार्डन में कोरोना योद्धा सम्मान 2021 पत्रकार सम्मान समारोह में भाग लेंगे। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ 22 व 23 जुलाई को जिले जानकारी के अनुसार प्रभारी मंत्री धाकड़ 22 जुलाई को
दोपहर 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे माँ पीताम्बरा माई के दर्शन पूजन करेंगे। शाम 4 बजे स्वामी जी महाराज कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। प्रभारी मंत्री 23 जुलाई को सुबह 11 बजे माँ पीताम्बरा माई के दर्शन पूजन करेंगे। 11:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और जनता जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। दोपहर 12 बजे जिला योजना समिति की बैठक लेंगे।